हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनेजमेंट लर्निंग वर्ल्ड। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि यूजीसी नेट पेपर वन के लिए लॉजिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग जो हमारा सेक्शन है उससे ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें पढ़ने हैं। इससे पहले भी मैं चार टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए कि कौन से टॉपिक्स आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ने हैं। तो पहला हम यहाँ पे देखते हैं नंबर सीरीज, लेटर सीरीज एंड कोडिंग एंड डीकोडिंग। ये जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं ये मान के चलिए आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सभी करने हैं। पहले क्या होता था यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, अगर मैं 2-3 साल पहले जाके देखूं तो जो नंबर सीरीज़ होती थी और लेटर सीरीज़ होती थी इनसे बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन देखने को मिलता था। लेकिन अब यूजीसी ने जो पैटर्न सेट किया है उसको देखते हुए जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो आपको एडवांस लेवल पे भी करने हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेचर के क्वेश्चन भी यहाँ से अब आने लगे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेसिक तो आपको पढ़ना ही है, साथ में थोड़ा एडवांस भी रहना है। सेकंड है टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। जो टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक है ये तो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन टाइम एंड वर्क उन्होंने सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। लेकिन इस बार जून के अटेम्प्ट में टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन एक शिफ्ट में देखने को मिला है, तो आपको टाइम एंड वर्क छोड़ना नहीं है, इसे भी आपको ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेजेस, परसेंटेज और फ्रैक्शंस। ये भी आपको मैथमेटिकल रीजन में पढ़ना है। इनसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी दो टॉपिक हैं जो आपको इस एग्जाम में ज़रूर पढ़ के जाने हैं। इस वीडियो में मैं इनके डीप में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो ज़रूर पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है मैथमेटिकल रीजनिंग के सेक्शन में। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में ये दो टॉपिक मैंने इस वीडियो में लिखे हुए हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये मैंने इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि जून के अटेम्प्ट में 24th को मैनेजमेंट शिफ्ट में एलिगेशन और मिक्सचर का एक क्वेश्चन देखा गया था। जो एलिगेशन और मिक्सचर का एक क्वेश्चन होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस को उन्होंने मिक्स किया होता है उस कॉन्सेप्ट को, तो उस टाइप का क्वेश्चन एलिगेशन एंड मिक्सचर से देखने को मिला था। और इसके साथ में टू द सेफर साइड आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी भी पढ़ के चलना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में देखा जा सकता है। अभी तक नहीं आया है लेकिन आ सकता है। तो एलिगेशन एंड मिक्सचर और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी भी आपको जरूर पढ़नी है। तो ये आपके मैथमेटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट थे जो आपको इस एग्जाम में पढ़ने हैं। और मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक एडवाइस जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि इन टॉपिक्स को आपको शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व बिल्कुल नहीं करना। जी हाँ, क्योंकि आपको इस एग्जाम में ऐसा नहीं है बैंक एग्जाम्स की तरह कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब तो एनटीए ने और ज़्यादा इसको इजी कर दिया है, आपको पूरे 3 घंटे मिलते हैं 2 पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक्स की जो हेल्प है वो नहीं लेनी है, आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस में अगर आपने एक शॉर्टकट ट्रिक पढ़ी और एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी उस क्वेश्चन को घुमा दिया तो आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन सभी टॉपिक्स के बेसिक्स को पकड़ना है और अपना बेस क्लियर करना है। अगर आपका बेस इसमें क्लियर हो जाएगा तो आप हर तरह का क्वेश्चन फिर एग्जाम में निकाल सकते हो, आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। इसीलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, आपको शॉर्टकट ट्रिक्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अगर आप बेसिक्स क्लियर करके जाते हो तो इस टॉपिक से आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक्स में फंसने का चांस रहता है। क्योंकि एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज कर दे तो जो शॉर्टकट ट्रिक हमने पढ़ी होती है वो वहां पर काम नहीं करती। तो इसलिए आपको जो है वो बेस अपना क्लियर इसमें करना है। और अगर आपका बेस क्लियर है तो क्वेश्चन कोई भी हो आप 1 मिनट से ज्यादा उसको सॉल्व करने के लिए नहीं लगाओगे। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हर टॉपिक का क्लियर होना चाहिए, शॉर्टकट ट्रिक्स के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप चाहें तो शॉर्टकट ट्रिक पढ़ सकते हैं, लेकिन फुली डिपेंडेंट अगर आप शॉर्टकट ट्रिक पे हो जाएंगे तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको इन हर टॉपिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्लियर जरूर करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में जो पहला टॉपिक है वो है इंडियन लॉजिक प्रमाणस।
हमारे पास पांच तरह के प्रमाणस हैं एज पर इंडियन लॉजिक, जिनके थ्रू हमें नॉलेज मिलता है। तो ये प्रमाणस आपको पढ़ के जाने हैं। इस बार की शिफ्ट्स में, हर शिफ्ट्स में लगभग एक क्वेश्चन जो है वो प्रमाणा से पूछा गया है, और आपको ये अच्छे से करना है। ये नए सिलेबस में ऐड हुआ है, फिलोसफी का ये टॉपिक है, तो आपको इसको थोड़ा बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शायद आपको लैंग्वेज इसकी समझ अच्छे से ना आए। जो फिलोसफी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है थोड़े से टफ वर्ड्स हैं, लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। तो आप इसको बार बार इसका रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से ये आ जाएगा, और इससे एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को एग्जाम में मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में। सेकंड है आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो इसमें आपको पढ़ना है आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। तो इसमें ये आपको ये पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। साथ में आपको जो अजम्पशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, इनकी डेफिनेशंस पढ़ के जानी है इंडक्टिव और डिडक्टिव में। जैसे मैं बेसिक में बता दूं तो इंडक्टिव क्या होती है, जिसमें हम थ्योरी को क्रिएट करते हैं शुरू से लेके, और डिडक्टिव में हमारे पास ऑलरेडी थ्योरी होती है, उस थ्योरी से हम जो है वो कंक्लूजन निकालते हैं हाइपोथेसिस का यूज करके। तो आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। थर्ड है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं तो एक मार्क आप में एक जो मार्क है आपका वो पक्का हो जाता है, सॉरी एक नहीं, एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। मार्क्स आपको दो यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के दो मार्क्स यूजीसी नेट के एग्जाम में होते हैं। तो दो नंबर पक्का करने के लिए इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ें, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को। इसमें क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है, आपको दे दिया जाएगा, जैसे ऑल एज और बी अगर ट्रू है तो आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी, और पूछा गया होगा कि इनमें से कौन सी अगर फिर फॉल्स होंगी अगर ऑल ए और ए इज बी ट्रू है। तो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट है वेन डायग्राम एंड सिलोजिज्म्स। तो वेन डायग्राम्स का आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी जरूर पढ़ के जाना है, और इसका डायग्रामेटिक जो पार्ट होता है वो भी पढ़ना है, क्योंकि वेन डायग्राम से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। और सिलोजिसम्स आपके सिलेबस में थोड़े अलग तरीके से दिए हुए हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सिलोजिसम्स के क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जो है थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट रहता है। आप जो सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग भी जरूर पढ़ें, लेकिन सिलोजिसम्स को आप वेन डायग्राम से ही सॉल्व करें, क्योंकि आपने जब भी ये पहले अगर ये टॉपिक पढ़ा होगा तो वेन डायग्राम से ही पढ़ा होगा। और मेरे पर्सनली मैं अगर कहूँ तो मुझे सिलोजिसम्स वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना अच्छा लगता है, और इससे जल्दी भी हो जाता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं होता। तो वेन डायग्राम और सिलोजिसम्स भी आप इसके लिए पढ़ेंगे। एनालॉजी, एनालॉजी क्या होती है, यानी कि समानता। तो एनालॉजी से रिलेटेड भी बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन एनालॉजी से नहीं आता है, थ्योरेटिकल पार्ट से ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपको स्टेटमेंट दे दी होगी और पूछा होगा कि स्टेटमेंट जो है वो क्या है, तो आपको एनालॉजी भी इसमें पढ़नी है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉलेसी, ये फॉलेसीज वाला कॉन्सेप्ट भी इसी बार जो ये एग्जाम हुआ है जून अटेम्प्ट में, अभी एनटीए ने आपके सिलेबस में डाला है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉलेसीज भी आपको जरूर पढ़ के जानी है। इसके कुछ अराउंड 35 फॉलेसीज टोटल होती हैं, वो आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहा है। जो फॉर्मल फॉलेसी होती है ये फॉर्म से रिलेटेड होती है, और इनफॉर्मल फॉलेसी कंटेंट से रिलेटेड होती है। तो ये आपको ये दोनों ही पढ़नी है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा ये वीडियो, जिसमें हमने मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग जो है इसमें ये जाना कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें आपको एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।